वेलकम टू आहुजास रेसिपी। आज हम आपके लिए लाए हैं गुजरात और महाराष्ट्र की फेमस डिश खांडवी की रेसिपी। खांडवी सभी को बहुत ही पसंद होती है और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कटोरी बेसन लेंगे, माप में ये 150 ग्राम है। फिर हम इसमें 1.5 कटोरी छाछ डालेंगे। पहले हम एक कटोरी छाछ डालकर इसे बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन में कोई गुठलियाँ ना रह जाए। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ रह जाएंगी। फिर हम बाकी की भी आधी कटोरी छाछ इसमें डाल देंगे। एक कटोरी पानी डालकर हम इसे बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घोल को हमें एकदम स्मूथ बनाना है, उसमें एक भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। आप चाहें तो बेसन, पानी और छाछ सभी चीज़ें एक साथ डालकर इसे ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी हल्दी, हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ी सी, नमक स्वाद अनुसार डालकर हम इसे भी घोल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खांडवी बनाने के लिए सही मेजरमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारी खांडवी अच्छी बनती है। अब घोल हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, देखिए कितना स्मूथ घोल बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह का घोल होना चाहिए खांडवी के लिए। अब हम घोल को पका लेंगे। तो एक पैन या कढ़ाई में हम घोल डालेंगे, फिर गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। अगर आप खांडवी खट्टी खाना पसंद करते हैं तो खट्टी छाछ का यूज़ करें। अगर आप खांडवी के लिए दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 कप दही और 1.25 कप पानी इस तरह से माप लें। खांडवी बनाने के लिए जब आप बेसन कटोरी में लें तो उसे एकदम दबा कर ना भरें, थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस करके ही भरें। घोल को हमें लगातार चलाते हुए ही पकाना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। घोल जब बनकर तैयार हो तो वो एकदम स्मूथ होना चाहिए। घोल अब काफ़ी गाढ़ा हो गया है तो हम गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो कर देंगे, फिर इसे 1-2 मिनट के लिए हम और पका लेंगे। घोल को पकाने में हमें कम से कम 6-7 मिनट का समय लगता है। खांडवी का घोल तैयार हो चुका है या नहीं ये जानने के लिए आप करछी से खांडवी के घोल को थोड़ा सा ऊपर लें और इस तरह से जब ये एकदम धीरे धीरे गिरने लगे, यानी कि खांडवी का घोल बनकर तैयार है, तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। फिर हम इसे तुरंत ही गर्मा गर्म थाली में डालेंगे और इस तरह की सीधी कटोरी से इसे एकदम हल्के हाथों से प्रेस करते हुए फैला लेंगे। आप चाहें तो करछी की मदद से भी इसे फैला सकते हैं। थाली में आप घोल को ऊपर की तरफ डालें और करछी की मदद से नीचे की तरफ फैला लें, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं घोल को थाली के अंदर और बाहर दोनों साइड फैला रही हूँ, क्योंकि इससे कम थाली के यूज़ में खांडवी बन जाती है। आप चाहें तो खाली बाहर की साइड भी इसे फैला सकते हैं। घोल को हमें ठंडा नहीं होने देना है, आप थोड़ा सा थाली में ले लें और बाकी का ढककर रख दें। घोल अगर ठंडा हो गया तो ये थाली पर अच्छे से फैलेगा नहीं। इसी तरह आप बाकी की थाली पर भी घोल डालकर फैला लें। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है तो हम इसे कट कर लेंगे। फिर चक्कू की मदद से किनारे को थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे और हाथों की मदद से इसे गोल गोल रोल बना लेंगे। इसी तरह हम बाकी के भी सभी खांडवी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम खांडवी के लिए तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए हम 3-4 चम्मच तेल गरम करेंगे, 1 बड़ा चम्मच राई डालें, 1 चम्मच वाइट तिल, थोड़ी सी हींग, थोड़े से कड़ी पत्ते, फिर 1-2 बड़ी साइज के मिर्च के टुकड़े डाल देंगे और इसे भी कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। अब तड़का तैयार है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे
और तड़के को हम खांडवी के ऊपर डालेंगे। इस तरह से चम्मच की मदद से आप तड़का खांडवी के ऊपर डाल दें। फिर खांडवी के ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर दें। थोड़ी सी सूखे खोपरे की छीन डाल दें। आप चाहे तो ताज़ा नारियल भी पीस कर डाल सकते हैं या फिर सूखा खोपरा भी छीन कर डाल सकते हैं। फिर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ी सी बारीक सेव भी ऊपर से डाल सकते हैं। तो हमारी टेस्टी खांडवी बनकर तैयार है। ये मुँह में जाते ही घुल जाए इस तरह की बनकर तैयार हुई है। इसे बनाना जरा भी मुश्किल नहीं है। ये आसानी से घर पर बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे नए नए रेसिपीज़ के वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।